हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, पपीते की बीज की हम बात करेंगे, जो सोने से भी अधिक महंगी मानी जाती है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसके चौंकाने वाले फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, पपीते की तरह उसके बीजों के भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनके इस्तेमाल से दाद, इन्फेक्शन, कैंसर और बच्चों के पेट में कीड़ों जैसी बहुत सारी समस्याओं से निपटने का समाधान हो सकता है। पपीते के बीज उतने ही अनमोल और पोषण से भरपूर है जितना कि पपीता। तो चलिए, आज मैं आपको फटाफट पपीते के बीज के 10 फायदे बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुने और इसको उपयोग में लाएं। पहला है लिवर। दोस्तों, लीवर की समस्या से निजात दिलाकर पपीते के बीज लिवर को मजबूत बनाते हैं। इससे अच्छी दवा लीवर के लिए नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो कभी जॉन्डिस आपने सुना होगा, किसी को हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले पपीता खिलाने बोला जाता है। कच्चा पपीता सबसे अच्छा होता है दोस्तों लीवर के लिए, और जॉन्डिस में कच्चे पपीते का दूध भी पिलाया जाता है। दूसरा है दोस्तों किडनी। पपीते के बीज किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। किडनी स्टोन, किडनी को ठीक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए पपीते के बीज कारगर होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर किडनी में स्टोन हो जाए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो पपीते का बीज का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, पपीते के बीज एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं से आपकी रक्षा करते हैं। तो पपीते के बीज अगर किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पे कुछ भी हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो आप पपीते के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पपीते के बीज से कैंसर तक का बचाव हो सकता है। पपीते के बीज में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी आपकी रक्षा करते हैं। कैंसर से बचने के लिए पपीते के सुखाए हुए बीज को पीसकर पाउडर की तरह यूज़ किया जा सकता है। पांचवा यूज़ बताती हूँ आपको। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसकी मजबूती के लिए पपीते के बीज रामबाण इलाज है। इनके सेवन से पाचन ठीक हो जाता है और पाचन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों, छठा आपको बेनिफिट बताती हूँ इसका। अगर आपके बॉडी में एलर्जी हो गई है, कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, या शरीर के किसी भाग में जलन, सूजन या दर्द हो रहा है, तो पपीते के बीज पीस कर उसका लेप बनाकर लगा लें। आप खुद कमाल देखेंगे दोस्तों, आपके महंगी इसकी महंगी दवाई का भी अचूक से भी अचूक रामबाण इलाज है। सातवां इलाज बताती हूँ दोस्तों, बुखार आने पर पपीते के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद, जैसा कि मैंने पहले बताया, एंटीबैक्टीरियल तत्व बार बार फैलने वाले जीवाणुओं से रक्षा करता है और हमारी बुखार को और फैलने नहीं देता। अगर आपके बॉडी में कहीं दाद हो गया है, तो आठवां उपाय ये है दोस्तों, पपीते के बीजों का पेस्ट बनाकर 5 दिन तक आपको उस दाद पे लगाना है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं पपीते में, जो फंगस को इन्फेक्शन, जैसे किसी किसी की उंगलियों के बीच में पानी लग जाता है, किसी किसी के रिंग वर्म्स, जिनको हम कहते हैं रिंग वर्म्स हो जाते हैं, गोल गोल धब्बे हो जाते हैं वाइट दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, दाद को ख़त्म करते पपीते के बीज, गंभीर पेट दर्द में आराम मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार गंभीर से गंभीर पेट दर्द और दस्त जैसी समस्या से निपटने के लिए भी पपीते के बीजों का रस दिन में 0.1 ml पीना फायदा होता है।
इम्यूनिटी मजबूत करते हैं दोस्तों। 10वां उपाय बता रही हूँ, लास्ट इसके जो बेनिफिट है वो बता रही हूँ। पपीते के बीज को इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार इससे शरीर के काम काज के सुधार के लिए आवश्यक पोषण मिलते हैं। तो दोस्तों आप पपीते के बीज को किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, पर एक दो आपको सावधानी रखनी है। इसके सेवन की विधि मैं आपको बता देती हूँ, पर दोस्तों ये ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को पपीते के बीज खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ध्यान रखें प्रेग्नेंट वुमन को नहीं खाना है पपीते के बीज, इससे अबॉर्शन होने का, गर्भपात होने का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों को भी इसको नहीं खिलाना है। पपीते के बीजों का सेवन करने के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा संतुलित रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है दोस्तों। अब आपको बता दूं इसको सेवन करने की विधि क्या है। सबसे पहले एक छोटा पपीता आपको चुनना है। ज़्यादातर छोटे पपीतों के बीजों का स्वाद तेज होता है और बड़े जो पपीते होते हैं उनके बीज खारे होते हैं। खारे मीन्स कड़वे होते हैं। जब आप पपीते के बीज के स्वाद से अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको हर समय छोटे पपीते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े पपीते ले सकते हैं। छोटे पपीते से शुरू करने से आपको स्वाद की आदत हो जाएगी। कुछ बीजों को आप साबुत खा सकते हैं। पहले हफ्ते में एक दिन में सिर्फ एक या दो बीज चबाएं। आप अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको आपके जो टेस्ट बड्स हैं, आपकी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे अधिक जोर पड़ेगा। शुरू में पपीते के बीजों का स्वाद काली मिर्च जैसा लग सकता है, इसलिए अगर आप जल्दी एक बार में ज़्यादा खाएंगे तो आपको फिर खाने का मन नहीं करेगा। पपीते के बीज को खाना सेफ या निरापद है, पर जिस चीज़ को आपके पेट की आदत नहीं है, उसे अधिक मात्रा में खाने से पाचन खराब हो सकता है। धीरे से शुरू करके आप इससे बच सकते हैं। दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे प्रतिदिन चौथाई चम्मच, फिर आधा चम्मच और फिर पूरा एक चम्मच खाना शुरू करें। पपीते के बीजों को ज़्यादा प्रोटीन वाले भोजन के साथ खाएं ताकि आपकी पाचन तंत्र आसानी से काम कर सके। ऐसा करने से आपके बीज के जो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं उनका अधिकतम लाभ होगा और आपके पाचक स्वास्थ्य या डाइजेस्टिव हेल्थ में सुधार होगा। इसको दोस्तों आप बीज को शहद के साथ खा सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, और साबुत बीजों को एक छोटा चम्मच शहद के साथ मिक्स करके खाएं ताकि वो कटु ना लगे। पपीते के बीजों को शहद के साथ खाते समय भी बीजों को निगलने से पहले कुछ बार चबाएं। लोग मानते हैं कि शहद और पपीते के बीजों का समुच्चय परजीवियों या पैराजाइट्स को नष्ट करता है, इसलिए पपीते के बीजों को शहद के साथ लेना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दोस्तों बीजों को पीस लें। एक उखल और मूसल से एक बार में एक छोटा चम्मच पपीते के बीज को पीसकर बारीक या मोटा पाउडर बनाएं। आप चाहें तो उखल और मूसल इस्तेमाल करके साफ सूखे बीजों को पेपर ग्राइंडर पे भी पीस सकते हैं। उत्तम परिणाम के लिए कुछ समय पहले पीसे हुए बीजों की जगह ताजा पीसे हुए पपीते के बीज लें। जब भी दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपको काली मिर्च उपयोग करना है, जब आपको पीसी हुई काली मिर्च का उपयोग करना हो तो पपीते के पीसे हुए बीजों का इस्तेमाल करें। पीसे हुए पपीते के बीज काली मिर्च के बदले में अच्छा काम करते हैं, आप उन्हें उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप काली मिर्च यूज़ करते हैं उतना ही यूज़ करें दोस्तों। ध्यान रखें पपीते के बीजों का स्वाद एकदम काली मिर्च के समान नहीं होता है। कुछ लोग स्वाद को काली मिर्च और राई के स्वाद के बीच का ब्लेंड मानते हैं, पर जब उसको थोड़ी मात्रा में काली मिर्च के बदले खाने की आदत डालेंगे तो खाने के स्वाद में कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। दोस्तों कोई भी नॉनवेज या वेज आप जो भी पका रहे हैं उसमें पपीते के पीसे हुए बीजों से सीजन करें। काली मिर्च जैसे पपीते के बीजों का इस्तेमाल करने एक बहुत बढ़िया तरीका है। उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको, एक छोटा चम्मच पपीते का बीज पीसें और उसे
आप जो लेट्स सपोज पनीर बटर मसाला बना रहे हैं या स्टीक बना रहे हैं, तो उसे सीजन करें, उससे पीसे हुए बीजों को स्टैक पर मलें और उसे एक घंटे के लिए छोड़ दें। फिर थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ एक पैन में फ्राई कर लें। दोस्तों, पपीते के बीज मीट को या पनीर को सॉफ्ट भी करते हैं और उसके स्वाद, उसका सुस्वाद के कारण एक अलग ही उसमें फ्लेवर आ जाता है। पेट में जाकर आपके पनीर को या आपने जो भी सब्जियां खाई है उसको पचाने में भी मदद करता है। पपीते के बीज का आप सलाद भी बना सकते हैं, विनेग्रेट ड्रेसिंग में मिलाएं और पेपर विनेग्रेट बनाने के लिए भी यूज होता है। पपीते का बीज इस्तेमाल करके एक और लोकप्रिय तरीका बताती हूँ आपको। दोस्तों, छाछ में, सूप में, किसी भी चीज़ में आप इसको डालकर खाएं और इस गोलमिर्च की जगह इसको डालें दोस्तों और बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों, हमने पपीते का बहुत बीज का आपको बहुत सारा फ़ायदा बताया, चमत्कारी उपाय बताए हैं इसके। किसी भी समय खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं और इसको दिन भर में 1 से 3 चम्मच तक खाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी जाइए मार्केट से और इस बार नेक्स्ट टाइम आप पपीता छीले तो पपीते के बीज फेंकने नहीं हैं आपको, अब उनको यूज़ कर लेने हैं। फ्रेश आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो सुखा के उसको पाउडर करके गोल मिर्च की तरह रख लें दोस्तों और आपके काम आने वाला है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के मज़े उठाते रहिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है लिख भेजिए वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम और आप कनेक्टेड रहें, दोस्तों से शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। जय माता दी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।